नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा के राजनीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा, क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, मां और बेटी, ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और अब बीजेपी में जाने की तैयारी हो चुकी है। आज यानी कि बुधवार 19 जून को दिल्ली मुख्यालय के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, हलचल पैदा हो चुकी है, सनसनी फैल चुकी है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग चुका है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में दो बड़े विकेट गिर चुके हैं। हालांकि समय रहते अगर नहीं चेता गया तो यह सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बारी बारी हर सवाल का जनता जानना चाहती, क्यों कांग्रेस को छोड़ दिया, अचानक ऐसी क्या बात हुई, क्या मन में खटास पैदा हुई कि कांग्रेस को छोड़ना पड़ गया, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि किरण चौधरी को लोकसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस छोड़ना कंपल्सरी हो गया, और इसके अलावा कहीं ना कहीं अब बीजेपी में जा रही हैं, तो क्या किरण चौधरी की बातचीत हो चुकी है कि दोनों मां और बेटी को लोकसभा चुनाव के बाद, अब जब विधानसभा चुनाव की बारी है, तो दोनों को जो है चुनाव लड़वाया जाएगा, दो सीटें उनको मिल जाएंगी, क्या ऐसी बातचीत भी किरण चौधरी की बीजेपी हाईकमान के साथ, आला कमान के साथ हो चुकी है। तमाम सवालों का जवाब देंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता मुन्ना लांबा जुड़ चुके हैं। लांबा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा न्यूज 24 के जो दर्शक देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत दिल से आभार है, और साथ साथ हम दर्शकों से ये भी पूछना चाहेंगे, किरण चौधरी बीजेपी में जा रही है और श्रुति चौधरी तो कितना सही कितना गलत, तक कमेंट में राय लिख के जरूर डाल दीजिए, ताकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। बीजेपी में कितनी जबरदस्त पकड़ रहेगी और कांग्रेस में कितनी जबरदस्त पकड़ थी, और किरण चौधरी आपकी नज़र में क्यों छोड़ के जा रही हैं? किरण चौधरी बड़ी लीडर है कांग्रेस की, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात देखने को रहेगी। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये रहेगी, क्योंकि किरण चौधरी लगातार पिछले, आज से नहीं है लगे तो लगातार पिछले 3-4 साल से लगातार किरण चौधरी कहीं ना कहीं हुड्डा असार के ग्रुप हुड्डा पे हावी है, और जब से ही किरण चौधरी आर्य प्रत्यारोप का दौर जारी है, और ये जो बात अब आके यहाँ पे अटक गई है, पीछे अपने चुनाव देखा, लगातार किरण चौधरी श्रुति के लिए, अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी लोकसभा से, और उन्होंने पूरी जी जान बड़ी ताकत लगा रखी थी, एंड लास्ट मोमेंट तक श्रुति चौधरी की टिकट थी, लेकिन एंड मोमेंट पे वो टिकट कहीं के कट जाती है और रावदान सिंह को टिकट दे दी जाती है, और रावदान सिंह का हारना, वो भी अपने एरिया में, पांचों हल्के में जो अहिरवाल क्षेत्र है वहीं से हार के, सबसे बड़ा नुकसान रावदान सिंह को वहाँ झटका, क्योंकि किरण चौधरी ने साफ शब्दों कहा है, हमारे यहाँ से जीत जीत के निकले हैं, मैंने तो हराए नहीं, यहाँ से जीत के निकले हैं रावदान सिंह। अब रावदान सिंह ने आरोप प्रत्यारोप भीतर घात कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, रावदान सिंह लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन किरण चौधरी ने उसका जवाब भी दिया, अगर हम हरा के भेजते तो काफ़ी लंबा चौड़ा अंतर से हराते, तो यहाँ से जीत के निकले हैं तो शाम से बहुत कम मार्जन से बाहर से जिता दिया, लेकिन अपने एरिया से कहाँ जीत के निकले। माइनस पॉइंट दान सिंह का यहाँ जाके अटक गया। श्रुति किरण चौधरी लगातार अब भी कहते रही है, अगर यहाँ श्रुति होते तो भारी मार्जन से जीतती, बहुत श्रुति तो भारी मार्जन से जीतती बहुत, लेकिन अब मसला ये है, अब जो हम बातचीत करें फिलहाल की, नंबर एक तो राहुल गांधी की यहाँ बहुत बड़ी जनसभा हुई, वहाँ पे राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल का नाम तक नहीं लिया, और वहाँ पे आपस में उंगली करते हुए, आपस में मतलब आवेश में दोनों राहुल बीच में बैठे हैं, लड़ाई करते देखे गए रावदान सिंह किरण चौधरी। तो यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी यहाँ पहुँचते हैं पाली के अंदर, वहाँ एक सबसे बड़ी बात विषय देखने के मिली, उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी का नाम लिया, और नाम भी इस तरीके से लिया कि वो हमारे साथी रहे हैं, और तभी से चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी जो है कांग्रेस में जा सकते हैं, हालांकि चुनाव से पहले भी उनको ऑफर मिल चुका था जा सकते, लेकिन चुनाव के बाद ही क्यों जाना उचित समझा? नहीं, चुनाव के बाद तो इसलिए, अभी चुनाव चल रहा था वहां तो चलो ठीक है, उस मूवमेंट पे वो देखा बाद में जाएगी, अभी चुनाव है, लास्ट मूवमेंट पे चल रहा है, उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे, पहले नहीं ज्वाइन किया, 100 बातें होती हैं, वो तो उन्होंने देखना पड़ा क्यों नहीं गया, शायद एक वजह ये भी रही होगी, कभी किरण चौधरी ने सोचा कि मैं अगर वहाँ चले जाऊँ और रावदान सिंह हारेगा तो मेरे पे इल्ज़ाम लगेगा, ये भी रहा होगा मैटर, कांग्रेस में रह के ही रावदान सिंह को पटकनी दे, मतलब कई उनके अपने अपने
पता है क्या क्या सोच क्या रही है किरण चौधरी की, लेकिन इतना पक्का है किरण चौधरी का कांग्रेस को बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं विधानसभा चुनाव के लेके, और बीजेपी बिल्कुल फुल फ्रेश मूड में है तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लेके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के कहने के ही कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की राह पे आने वाले हैं बहुत बड़े। और साथ में हम एक बात और बता दें, कल किरण चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस कोई भविष्य नहीं, हरियाणा प्रदेश आने वाले नहीं है, और कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और पिता पुत्र ने थापी थापी मार रखी है पांच पांच लोगों के, बहुत बुरा हाल होने वाला है, टिकट एक को मिलनी है, पांचों के थापी मार रखी है, भगदड़ मचनी है कांग्रेस में, कुछ नहीं बचेगा, कई आरोप पत्र किरण चौधरी ने और लगाए हैं। और किरण चौधरी कहने की आह थी टिकट नहीं मिली, दूसरी बात आरोप प्रत्यारोप किरण चौधरी पर लगातार जा रहे हैं, किरण चौधरी का बार बार उन्होंने कहा किसी लीडर ने यहाँ से किरण चौधरी एक दो बार हारी है, रावदान सिंह ने किरण चौधरी साथ नहीं दिया, जमाना जब्त होकर निकली यहाँ से इसी क्षेत्र से, तो किरण चौधरी कहीं ना कहीं अगर छोड़ के जाती रहे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हम अगर हिसाब से आज के दिन माने किरण चौधरी तोसाम लोहारू बाडड़ा भिवानी इन जगहों पे नांगल चौधरी सतनाली मंडी का पूरा एरिया 22 गांव पड़ते हैं, बहुत तगड़ी अच्छी खासी पकड़ है, और महेंद्रगढ़ में भी ऐसे बात नहीं है, बहुत अच्छे बहुत कार्यकर्ता है उनके, नानोल में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो उनके कार्यकर्ता है, लेकिन रावदंश की बातचीत कर रावदंश के अपने क्षेत्र में ही हल्के कैंडिडेट हैं, वो एक सीट पर भी प्रभाव नहीं डाल सकते, ना तो वो नानोल जिता सकते हैं कांग्रेस को, ना वो अटेली मंडी जिता सकते हैं कांग्रेस को, ना वो नांगल चौधरी जिता सकते हैं कांग्रेस को, अब की बार महेंद्रगढ़ में भी पिछले बहुत मार्जिन से कम मार्जिन से जीते हैं विधायक भी, वो बहुत कम मार्जिन से, तो महेंद्रगढ़ भी किंतु परंतु में सीट उलझी हुई है, और जो किरण चौधरी अगर छोड़ के जाती है आज के दिन तो कांग्रेस को कम से कम ये हर्जाना किसी भी सूरत में नहीं भर सकते किसी भी सूरत में, और कहें कि बीजेपी में अगर जाती तो बीजेपी की चांदी होने वाली है, क्योंकि पांच छह सीटों पे सीधा सीधा प्रभाव डालने वाली है किरण चौधरी, और अपनी इतनी ताकत रखी है कम से कम तीन चार सीटों को जरूर जितवा देगी बीजेपी का, बीजेपी में किरण चौधरी जाती है, बड़ी लीडर है किरण चौधरी और बड़ा चेहरा है, और चौधरी बंशीलाल और सुरेंद्र जी के बाद लगातार किरण चौधरी सक्रिय हैं, काम कर रही हैं, जनता के बीच जाती हैं, पुरानी राजनीति की पुरानी पार्टी रही है, अच्छा खासा दबदबा उनके बाद इन्हीं के ऊपर कंधों पर सारा दारोमदार था, और पूरे हरियाणा में भी अच्छी पकड़ है इसकी, लेकिन शैलजा की बात चली, शैलजा की ऐसे लीडर है जो शैलजा की ही मानती है किरण चौधरी, ये भी पक्की बात, और किसी लीडर की भी नहीं मानती है, क्या कहेंगे? अब बड़ी बात है, जिस तरीके आपने कहा कि रावदान सिंह एक सीट पर भी मुश्किल से प्रभाव डाल पाएंगे आने वाले चुनाव के अंदर, तो ऐसे में रावदान सिंह को टिकट देना, श्रुति चौधरी की टिकट काटना कहां तक आप जायज मानते, कितना उचित मानते लोकसभा चुनाव के अंदर? आपने कहा कि सिर्फ एक सीट पर भी मुश्किल से प्रभाव डाल पाएंगे आने वाले चुनाव में, देखो तो ऐसे में ऐसे नेता को क्यों टिकट दी गई, उन नेताओं की टिकट काट के जो पहले से हर हल्के में अपना प्रभाव डाल रहे हैं? देखो हम ग्राउंड पर रहे हैं, आप भी रहे हैं, सारी टीमें ग्राउंड पर घूमी हैं गए हैं, रावदान सिंह जो घूम रहे थे उनके साथ ही लोग थे, कोई नया चेहरा उनके साथ जुड़ा नहीं, आज से 15 साल पहले जो लोग थे आज वही लोग इनके साथ हैं, सड़कों पर वही लोग दिख रहे थे, सड़कों के अलावा भी वही लोग थे इनकी फार्म हाउस पे या कहीं मीटिंग होती तो वही लोग होते थे, ना तो नए लोगों को आने दिया आगे, नए लोगों ने कोई उत्साह दिखाया, और यहाँ रावदान सिंह बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रावदान सिंह का इतने वोट लेके जाना कोई भी प्रभाव नहीं है रावदान सिंह का, ये जनता जनार्दन खुद चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ किसानों का प्रभाव था वहाँ पे खुद रावदान सिंह कोई मैटर नहीं, बाडड़ा में जाके रावदान सिंह जीतना, 27,000 से दादरी में जीतना, तो रावदान सिंह वहाँ क्या, ना तो कभी वो गए, ना रावदान सिंह इतने कोई पकड़, रावदान सिंह को उस एरिया में इतना कोई लेना देना नहीं है, ना कोई जानता इतना, कोई वो प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी उनको टिकट देना कि श्रुति चौधरी की काटना, क्या जो खेल करना चाहती थी कांग्रेस, क्या बदलाव करना, अगर इस हिसाब से श्रुति चौधरी शायद ही जीत सकती थी अच्छे अच्छे खासे मार्जिन से, अगर फिलहाल का हम मार देखें, क्योंकि इस एरिया में तोसाम से वो जीत के निकलती, भिवानी से भी वो जीत के निकलती, और साथ साथ बाडरा से लोग जिताए रहे थे, दादरी से भी वो जिताए रहे थे अच्छा खासा मार्जिन, लोहारू से भी जीत के निकलती, इस एरिया में श्रुति और किरण चौधरी की बहुत अच्छी पकड़ थी, और उस एरिया से तो वैसे ही
नंगल चौधरी में अच्छे फाइट करती, वो उनका अच्छा खासा एरिया है, बाकी सारे एरिया में उनका अच्छा, ठीक है। यह जो जो वोट आए ये तो आने थे, लेकिन वहाँ से सुरीति चौधरी किरण चौधरी जीत के आराम से निकल सकती थी। आज के दिन बहुत बड़ा घाटा किरण चौधरी अगर छोड़ के जाती है तो जाने के बाद कांग्रेस को अपने आप पता चल जाएगा क्या खोया और क्या पाया है। बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, 5-6 सीटों पर सीधा सीधा असर डालने वाली है किरण चौधरी, सुरीति चौधरी और बहुत कार्यकर्ता हैं जो इनके साथ जाएंगे छोड़ के। जी, अब बड़ी बात यह है कि किरण चौधरी, सुरीति चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का अलविदा बोल दिया, लेकिन ये हालात कैसे पैदा हुए? लोकसभा चुनाव से पहले इन जो है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मुलाकात होती है, उस समय इनको आश्वासन दिया गया कि विधानसभा चुनाव में आपको सेट कर दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट कट गई। इसके अलावा भी चुनाव के दरमियान कोई बड़ी जिम्मेवारी किरण चौधरी को नहीं मिली, स्टार प्रचारक भी उनको बाद में बनाया गया जब विवाद खड़ा हो गया किरण चौधरी के नाम को लेकर कि उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में क्यों नहीं है। उसके बाद उनको जो 2 दिन के बाद स्टार प्रचारकों की सूची में जोड़ा गया अलग से नाम। लेकिन बड़ी बात जो है, क्या अब किरण चौधरी को यह एहसास हो चुका था कि जो दूसरा खेमा है, जो दूसरे नेता हैं जिनको वो एक आंख नहीं भाती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ खेला कर सकते हैं? उनको जो है कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने जो आरोप लगाए थे कि हमारी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जाए, तो क्या उनको ये लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी उनको नजरअंदाज किया जा सकता है, उनको घर बिठाया जा सकता है? बिल्कुल उनको ये लग रहा था कि लोकसभा में किया है, उससे पहले भी उनके साथ बहुत, राहुल गांधी की यात्रा में देखा होगा आपने, वहाँ पे सारे नेता बैठे हैं, किरण चौधरी से छोटे छोटे नेता भी स्टेज के ऊपर अच्छी खासी कुर्सियाँ दे दी गई, और किरण चौधरी को सोनीपत पानीपत साइड में जो यात्रा निकली उस समय आपने देखा होगा, हाईकमान का भी हाथ, वहाँ वो किनारे पे बैठी थी और वो भी उनके लिए कुर्सी नहीं थी, किसी ने कोई नेता था उसने छोड़ दी, वहाँ बैठने को दे दिया, वहाँ भी उनका कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात, सब लीडरों की फोटो देखी गई हमने, सिर्फ किरण चौधरी सुरीति चौधरी की फोटो नहीं, यहाँ तक कि भिवानी के अंदर भी किरण चौधरी को शायद ये बोलने नहीं दिया गया और छोटे छोटे लीडर बोल के गए हैं। देखो किरण चौधरी बड़े लीडर है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, और किरण चौधरी, चौधरी मनचेलाल के बाद, सुरेंद्र के बाद, कहीं कि किरण चौधरी लगातार राजनीति में सक्रिय है, तो हाईकमान का पूरा हाथ माने इसमें कहीं ना कहीं हाईकमान का भी रोल रहा है कांग्रेस का, कि उन्होंने भी जो है नजरअंदाजी का शिकार बनाया है किरण चौधरी को, क्योंकि टिकट कटने के बाद से पहले जो गुस्सा था वो और भी बढ़ चुका था, उसके बाद उन्होंने प्रत्याशी पर भी आरोप लगाए कि उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको बुलाया नहीं जा रहा, और उसके बाद जब राहुल गांधी की रैली होती है तो वहां पर भी उनको भाषण नहीं देने दिया गया, किरण चौधरी को भी नजरअंदाज किया गया, जो रावदान सिंह और किरण चौधरी के बीच तूतू मेमो हुई राहुल गांधी के सामने वो भी हजारों लोगों ने देखा। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि ना भाषण दिया गया, ना ही जो है चौधरी बंसीलाल का नाम लिया गया, तो ऐसे में तो ये कहा जा सकता है कांग्रेस हाईकमान ने भी कहीं ना कहीं इसमें पूरा अहम रोल निभाया है किरण चौधरी को जो है। राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, पूरे देश को वो सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, और यहाँ पे आते हैं, उनकी पार्टी की इतनी बड़ी लीडर है चौधरी बंसीलाल, एक राजनीति के पुरोधा हैं, जब वो बच्चे थे उनका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय वो बहुत बड़े बड़े लीडरों के साथ बड़े बड़े पद लेके, और वो कहीं कहीं वो छोड़ चुके, हमने खुद की पार्टी ही बना ली उन्होंने, उनका स्टेज से नाम तक नहीं लिया गया और बाकी सबका नाम लिया गया, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए, इतनी बड़ी लीडर है आप, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रेशर में शायद किसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन फेयर वो नहीं कर पाए अब तक इनके साथ कभी भी। और किरण चौधरी बहुत ही गर्म दल के नेता, वो कभी सुनती नहीं है किसी की, उसने काफ़ी वेट किया है, इंतजार किया है, लेकिन नहीं सुना, ये तो अपना रास्ता अलग कर लिया, और मोदी जी आए तो वो साफ संदेश दे गए आगे, चौधरी बंसीलाल जी बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके मार्गदर्शन में काम करते थे, 11-11 बजे तक रात को भी हम लगे रहते थे, तो एक कहीं ना कहीं वो संदेश था किरण चौधरी के लिए, पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए, और किरण चौधरी खासकर हमारा रास्ता खुला है, हमारा दरबार आपके लिए कभी। हालांकि हरियाणा न्यूज 24 ने मई के महीने में भी, यानी कि वोटिंग से पहले हमने बता दिया था कि किरण चौधरी और सुरीति चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं, और उससे 3-4 महीने पहले भी हमने आपको यह बताया था कि किरण चौधरी और सुरीति चौधरी बीजेपी में जाएंगी, और कहीं ना कहीं अब हमारी उन बातों के ऊपर भी मुहर लगने जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे थे कि ये गलत खबरें दिखा रहे हैं या फिर ये बहकाने का काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने तब भी नहीं माना, लोगों ने जो है मोदी जी ने भरे मंच से चौधरी बंसीलाल की तारीफ की,
की, उस इशारे को भी जो है जनता समझ नहीं पाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता, खुद किरण चौधरी कार्यकर्ता तक नहीं समझ पाए, उनको ये तब भी नहीं महसूस हुआ कि वो पार्टी छोड़ने जा रही है, वो जल्दी बड़ा फैसला लेंगी। और अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इससे एक दिन पहले तक भी किरण चौधरी के जो कार्यकर्ता थे, खुद समर्थक भी आश्वस्त थे कि किरण चौधरी कहीं नहीं जा रही है। समर्थकों की बात करें, समर्थक हर प्रकार के लोग होते हैं हर पार्टी में, लेकिन कहने की थोड़ा सा भावुक हैं किरण चौधरी के जो समर्थक हैं, थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं जल्दी, और वो सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो एक ही पहलू को देखते हैं ज़्यादातर वो लोग, और वो समझ नहीं पाते कि नेता का हक है, सुनना भी पड़ेगा नेता को, और जनता जनार्दन के बारे में जनता जो कहेगी बड़ा भला बुरा, और हमारा तो काम दिखाने का होता है क्योंकि इतनी तो आज़ादी है संविधान में हमारे लिए भी, उस हिसाब से नेता के बारे में आकलन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें तो उनको लोगों को नाराज भी होना नहीं चाहिए। और जहाँ तक हमारा आकलन था वो आकलन सही निकला, किरण चौधरी कहने के इस्तीफा दे चुके हैं आलाकमान को, और कहने का पूरा श्रेय फिलहाल रावधान सिंह को जाता है, क्योंकि किरण चौधरी ने यह भी कहा साफ साफ, क्योंकि चुनाव के अंदर किरण चौधरी को बिल्कुल किनारा कर दिया गया, एक बार फोन तक नहीं उठा गया, न्यूली में दो तीन बार फोन किया, रावधान सिंह ने फोन नहीं उठाया, वो चुनाव प्रचार करवाने नहीं चाहते थे किरण चौधरी से। अब रावधान सिंह भी पलटी मार गए अपने बयान से, पहले वो लगातार ठीकरा फोड़ते रहे कि किरण चौधरी के कारण चुनाव हारा, तोसाम की रट लगा रखी थी कि तोसाम से चुनाव हराया नहीं, हम जीते बैठे थे, लेकिन अब जो है एक नई स्टेटमेंट उनकी आई हाल ही में एक दिन पहले ही महेंद्रगढ़ से कि हाँ हमारी भी कमियां रही हैं, बहुत काफी कमियां रही है, और उसके कारण हम चुनाव आ रहे हैं, अब वो तोसाम का जिक्र नहीं कर रहे। देखो किरण चौधरी ने तोसाम से दान सिंह को हरवाया हुआ नहीं, लेकिन जिस हिसाब से तोसाम से चौधरी धर्मवीर को 25-30 हजार की लीड लेके निकलना चाहिए था, लेकिन वहां से कितने वोट आए तोसाम से, थोड़े बहुत वोट से जीते वहां से भी, नाम मात्र के वोटों से, तो तोसाम से रावधान सिंह को कुछ ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। देखो तो फिर जो बयान आए रावधान सिंह का बार बार किरण चौधरी पर ठीकरा फोड़ना, और जब किरण चौधरी पार्टी छोड़ने को बिल्कुल किनारे पर आ चुकी थी पार्टी छोड़ने के लिए, तो उससे एक दिन पहले उन्होंने अपना बयान बदल लिया, तो ये भी क्या माने कि प्री प्लान था सब कुछ, आपको क्या लगता है? प्री प्लान था मेरे ख्याल से, क्यों रावधान सिंह इतने बड़े सीनियर नेता हैं, देखो हम उनके फिर उनके कार्यकर्ता हैं आप ज्यादा, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है और चुनाव में अनदेखी की गई है सरासर, तो कहने की किरण चौधरी आदत थी, और उन्होंने चुनाव के समय भी बातों बातों कई बार कहा है, चुनाव के बाद भी कहा है, लगातार कहती आई हैं अनदेखी की जा रही है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है, चौधरी वंशलाल की राजनीति को ख़त्म किया जा रहा है, तो हमारी बिल्कुल अनदेखी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये इस मजबूरी में आके ये स्टेप उठाया है। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि लोग कहेंगे किरण चौधरी से क्या फर्क पड़ने वाला है, किरण चौधरी का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन आप माने या ना माने वो होते हैं अपनी अपनी पार्टी के भगत है, और वो कुछ भी कह लीजिए उनकी जायज है, लेकिन हकीकत यही है कई सीटों पे प्रभाव डालने वाली है किरण चौधरी, और कहीं कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है उन सीटों पे। हालांकि ये जो है लोकसभा चुनाव नहीं है कि एक हलके से अगर लीड कम मिली तो दूसरे में कवर कर लेंगे, सिर्फ एक सीमित क्षेत्र का एक चुनाव होता है, और यहाँ पर अगर 2-3 हजार की भी लीड बन जाती है तो ऐसे में उसको भी अंत तक तोड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है। और अगर आसपास की 8-10 सीटों पर किरण चौधरी 2-5 हजार वोटों का फर्क भी डाल देती हैं भाजपा में आने के बाद, तो उसका खामियाजा सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि करीब करीब 6-7 सीटों पर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है 6-7 सीटों पर, बड़ा घाटा हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर 2-5 हजार के बीच की लीड भाजपा को मिलती है, बढ़त भाजपा को मिलती है, और वो 2-5 हजार का नुकसान अगर कांग्रेस को होता है तो विधानसभा चुनाव में ये जो मार्जिन होता है ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो अगर बीजेपी में किरण चौधरी जा भी रही है तो ऐसे तो जाने वाली है नहीं, किरण चौधरी बड़ी आराम से चलो मैं आ गई भाई जोड़ा डंडी उठा के, तो क्या लगता है माँ और बेटी दोनों की टिकट फाइनल मारे? टिकट किरण चौधरी ऐसे किसी पार्टी में जाने वाली नहीं है, गई है बहुत सोच समझ के गई है, और श्रुति चौधरी किरण चौधरी दोनों चुनाव लड़ेंगी ये भी पक्की है, इसके साथ साथ आज से इसके साथ साथ एक दो सीटें और भी किरण चौधरी की पावर है इतनी, तो वो जरूर उनको दिलवाएगी टिकट, और वो कैंडिडेट ऐसे हैं किरण चौधरी के पास जो चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, हम उनका अब तो नाम लेना नहीं चाहेंगे,
और वो कैंडिडेट अगर टिकट किरण चौधरी उनको दिलाने में कामयाब होगी बीजेपी से, कहीं ना कहीं वो भी जीतेंगे, कांग्रेस को हराने का वो भी काम करेंगे जी। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं किरण चौधरी जाने के बाद, और किरण चौधरी अगर चली गई है तो इसके पीछे पीछे लाइन लगने वाली है। बहुत ऐसे ऐसे लीडर हैं, ये तो शुरुआत किरण चौधरी ने कर दी है, काफी मुश्किलें आने वाली किरण अभी कांग्रेस। लेकिन आपको ध्यान होगा आज से करीब कुछ समय पहले जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ा था उसमें चर्चा थी कि किरण चौधरी भी कांग्रेस को छोड़ सकती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उस समय जो है टिकटों को लेकर बात नहीं बन पाई बीजेपी के साथ, वो समन्वय नहीं बैठा कि दोनों माँ और बेटी की टिकट मिल जाएगी। बीजेपी ने एक टिकट के लिए हामी जरूर भरी थी क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है परिवारवाद के खिलाफ कि एक ही परिवार से एक टिकट के अलावा दूसरी टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी राजनीतिक हालातों को देखते हुए अपनी कुछ नीतियों में बदलाव जरूर करना पड़ता है। चलो ठीक है, बीजेपी टिकट नहीं देती है सुरीत चौधरी किरण को, सुरीति चुनाव लड़ती है, किरण लड़ती है, लेकिन किरण अकेली चुनाव लड़ने वाली तो है नहीं, इतना पक्का डेफिनेटली है। बेटी को टिकट नहीं भी मिली या बेटी चुनाव लड़ेगी, किरण चौधरी नहीं भी लड़ती है, इसके पीछे तीन चार टिकटें जरूर दिलवा देगी, क्योंकि राहुल इंद्रजीत ने ऐसा ही किया था, बेटी को जो इंद्रजीत सिंह ने किया था। इतना ही, इतना ऐसा नहीं है, अपने क्षेत्र में अच्छा दबदबा है किरण चौधरी का, आप भी अपना राय जरूर रख दीजिए, क्योंकि अगर किरण चौधरी बीजेपी में जा रही है तो क्या लगता है आपको किरण चौधरी चार पांच टिकटें दिलाने में बिल्कुल अपने जो बड़े कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं लड़ सकते हैं जो जीत सकते हैं लड़के, क्या उनको टिकट दिलाने में कितनी सक्षम है बीजेपी में? क्या वास्तव में बीजेपी पर दो टिकट किरण चौधरी को दे सकती है क्योंकि सुरीत चौधरी किरण चौधरी दोनों चुनाव लड़ सकती हैं, या फिर किरण चौधरी या सुरीत चौधरी में एक ही चुनाव लड़ेगी, किरण चौधरी कितने लोगों को टिकट दिला सकती है, क्या कैसा कितने अच्छी खासी पकड़ मानती हो किरण चौधरी की पांच छह दस सीटों के ऊपर? लेकिन बड़ी बात जो है आपने कुलदीप बिश्नोई के हालात आज भाजपा में देखे होंगे, किस तरीके से जो है मारे मारे फिर रहे हैं, पूरे परिवार को लेकर दिल्ली दरबार के भी जो है चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अब राज्यसभा की एक सीट खाली हो चुकी, दीपेंद्र हुड्डा ने जो है सीट खाली कर दी क्योंकि वो सांसद चुने गए रोहतक से, तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की जगह पर एक नया राज्यसभा सांसद चुना जाना है और उसके लिए जो है भागदौड़ शुरू कर दी बिश्नोई परिवार ने, पूरा जो है कुलदीप बिश्नोई का परिवार दिल्ली दरबार में बैठा है, दूसरे अलग अलग नेताओं के सामने हाजिरी लगा रहे ताकि उनकी जो है कुछ पैरवी हो जाए बड़े नेताओं की तरफ से और उनको मौका मिल जाए अपनी राजनीति को एक टर्निंग पॉइंट देने का। लेकिन आपने देखा होगा जब हिसार लोकसभा से टिकट की बात आती उनका नंबर कट गया, जब जो है दो टिकटें मांगने की बात आती तो उस समय भी बीजेपी ने सिर्फ एक का ही ऑप्शन दिया और उन्होंने अपनी जगह पर अपने बेटे को चुनाव लड़वाया, उपचुनाव में भव्य बिश्नोई सांसद चुने गए। इसके अलावा भी जब पीछे राज्यसभा की बात आई जब सुभाष बराला को जो है चुन लिया गया राज्यसभा सांसद के रूप में और कुलदीप बिश्नोई उस समय भी अपने अरमान दबा के बैठ गए, तो ऐसे में क्या लगता है बार बार कुलदीप बिश्नोई को किनारे किया जा रहा, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी में जाने के बाद किरण चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही नाव बन जाए? देखो बनेगा जबकि देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल किरण चौधरी बहुत हैवी है, वो आगे की बातें हैं, अब की बार चुनाव सिर के ऊपर है, बीजेपी कभी गलतें नहीं कर सकती क्योंकि बीजेपी हर संभव सरकार तीसरी बार बनाना चाहती है। और अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें तो बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र बनाता, अब की बार फिर अहिरवाल क्षेत्र कहने के मूड में है बीजेपी सरकार तीसरी बार बनाने के में, यहाँ से 15 सीटें 14 सीटें आराम से जीत के निकलेंगे अब की बार देख लेना। और किरण चौधरी आने के बाद तो ये पूरा लुहारू तोसाम भिवानी दादरी ये एरिया में अच्छा खासा दबदबा बन चुका है, तो ये तो समय बताने वाले, लेकिन जनता दलादर यानी कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने हालात फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हो, ऐसे में बीजेपी को जितनी सहायता हो सकती है अगल बगल से लेनी होगी और उसकी जो है प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, पहले दो विकेट के रूप में किरण चौधरी और सुरीति चौधरी आ चुकी है और भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति आने वाले कुछ दिन में देखने को मिलेगी, कई बड़े विकेट भाजपा के भी गिर सकते हैं, दूसरी पार्टियों के भी गिर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार जो नेता बड़े लीडर बड़े चेहरे जो दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में कहीं ना कहीं उनकी चांदी होने वाली है? बिल्कुल चांदी होने वाली है और क्या, और क्योंकि एक बात और भी है, अब बाकी तो चलो चांदी तो होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल की हम बातचीत करें तो राजनीति बहुत ही है कि अभी तो काफ़ी समय है, कुछ समय ऐसी बातें बाद में धीरे धीरे आपको सारी बातें डिटेल से बताते रहेंगे क्योंकि गुप्त सूत्रों के आधार पर हमारे पास भी काफ़ी अच्छी खासी जानकारी रहती है नेताओं के बारे में कौन कहाँ जाने वाला है, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर आप देख के अचंभित हो जाएंगे, हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और बड़ी बड़ी हस्तियाँ इधर से इधर होने वाली हैं और बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है किरण चौधरी की और आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। उड़ा साहब कहते हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया विधानसभा में साफ कर देंगे, क्या मान रहे हैं आप?
देखो ये चुनाव देखो हुड्डा साहब का नहीं था, देखो ये चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस मानती है बीजेपी की नीतियों के खिलाफ चुनाव था, बीजेपी के कहने कहीं किसानों का रोष था, कई फैक्टर थे, अग्निवीर का रोष था, तो कई मतलब फैक्टर थे, संविधान तोड़ने का, आरक्षण हटाने का, कई ऐसे फैक्टर मिले होते, तो उन लोगों ने अब की बार चुनाव लड़ा है, ना तो हुड्डा जी ने लड़ा चुनाव, ना दीपेंद्र ने लड़ा, ना रावदान सिंह, ना किसी का कोई प्रभाव नहीं था, सिर्फ प्रभाव जनता जनार्दन खुद चुनाव लड़ी थी, और वो भी सीटें में कहने के देने में बीजेपी ने भी कई कोताही बरती है, ऐसी बात नहीं है, अगर कुलदीप बिश्नोई वहाँ से चुनाव लड़ते तो वहाँ से विजय कैप्टन अभिमन्यु भी निकाल सकते थे, आराम से टिकट निकाल सकते थे, सोनीपत से भी अगर बोरोले की जगह उन्होंने फाइट अच्छी की, वो लास्ट मोमेंट पे जाके आ रहे हैं, लेकिन अब काफी समय और बचा है, धीरे धीरे बताते रहेंगे। बिल्कुल, तो धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ मुन्ना लम्बा वरिष्ठ संवाददाता हरियाणा न्यूज 24 के जुड़े हुए थे, मुख्य संपादक भी हैं। विशेष चर्चा हमारी आज की, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में फिलहाल किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, माँ और बेटी की जोड़ी ने तहलका मचा दिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले देकर भाजपा की कहीं ना कहीं चांदी करने के लिए निकल चुकी है। और जो खबर है कि 19 जून बुधवार को सुबह सुबह दिल्ली मुख्यालय भाजपा में जाकर ज्वाइन कर सकती हैं, कमल का फूल जो है उसका साथ है, ले सकती हैं किरण चौधरी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए, क्या वास्तव में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों की टिकट फाइनल हो चुकी है, बीजेपी से दोनों की टिकट को लेकर सहमति बन चुकी है, उसी के चलते किरण चौधरी ने ये स्टेप उठाया है, क्या किरण चौधरी का अपना भविष्य किसी विशेष नेता के कारण कांग्रेस के अंदर सिक्योर नहीं लग रहा था, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अनदेखी हुई, क्या उसी तरीके से विधानसभा में भी अनदेखी का डर किरण चौधरी को सता रहा था, इसके चलते कांग्रेस को छोड़ा, या फिर कुछ और कारण हो सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। आपकी हर जो है राय हमारे लिए बड़ी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उससे हमें भी अंदाजा होता है कि हरियाणा प्रदेश के किस हिस्से में जनता जो है, वोटर्स जो है, किस नेता के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन सब बातों के साथ हूं प्रिंस लांबा, मेरे से अगली मुन्ना लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।